इस वक्त की तीन बड़ी खबरों पर पूरे देश की नजर है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, अजय माकन और सलमान खुर्शीद इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सस्ती बिजली वाले अपने वादे पर ऐलान कर सकते हैं। अब से आधे घंटे बाद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी है, जिन पर आज काले हिरण केस में एक मामले पर फैसला आना है। आज आर्म्स एक्ट में बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर फैसला आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जमीन अधिग्रहण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी सीनियर मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बैठक में जमीन अधिग्रहण बिल पर चर्चा हो रही है। मीटिंग से पहले वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार लैंड बिल मामले पर लोगों को समझाएगी और बताएगी कि कैसे कुछ लोग बिल के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त चल रही बैठक में तय किया जाएगा कि कब सभी दलों की मीटिंग बुलाई जाए। इसके अलावा आज शाम 6:30 बजे भी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा होगी। संदीप सोनवलकर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, मुख्य मकसद ये है कि विपक्षी दलों को मनाया जाए, साथ ही साथ लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये बिल उनके भलाई के लिए, लेकिन सरकार ये काम कर कैसे पाएगी? देखिए, सरकार को सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार बिल किस लिए ला रही है और इसमें संशोधन किस लिए जरूरी है। तो जाहिर तौर पर पहले आपको संसद की चुनौती और संसद की चुनौती के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। देखिए, दोनों सदनों में बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन कल अरुण जेटली ने ये साफ कह दिया कि हम बात करेंगे और आज सरकार की जो बैठक हो रही है उसमें तय हो जाएगा कि सर्वदलीय बैठक कब बुलाई गई। मुख्यतः ऐसा लगता है कि कल ही यह बैठक बुलाई जा सकती है और इस बैठक में सारे दलों को समझाया जाएगा कि इसमें दरअसल अड़चने क्या है और जिससे विकास के कामों पर असर हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार कुछ बदलाव के लिए शायद तैयार हो सकती है इस बैठक में। उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हो सकता है कि जो लोगों की सहमति लेने की बात थी उसे वैसा ही रखा जाएगा, साथ ही सोशल इम्पैक्ट पर भी सरकार मान सकती है। तो जाहिर तौर पर दो तीन चीजों पर सरकार मानेगी और बाकी वे लोगों को मना कर इस बिल को निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सरकार का ये जरूर मानना है कि बिल पास कर वो संकेत देगी कि ग्रोथ का मसला है, उस पर सरकार समझौता नहीं कर रही। चलिए, तो सरकार संसद के बाहर दूसरे दलों से बात करेगी और कोशिश करेगी कि इस बिल पर वो दल भी राजी हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सोनवलकर आपका इस तमाम बातचीत के लिए।